चले भाई। कुछ तो मैं स्टार्ट करूंगा 11 बजे, ठीक है? अटेंडेंस लेके फिर उसके बाद आप सबमिट करके क्लास 6 बजे। अब हम देख रहे हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। एक दो क्वेश्चन पे देख लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दो तरह की डिफरेंस आपने देखे हैं एनएफए में। वो दो तरह के डिफरेंस क्या है कि एक आपने देखा नल ट्रांजिशन और एक आपने देखा मल्टीपल ट्रांजिशन। रिमेंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही बात हो रही थी कि या तो नल ट्रांजिशन है या मल्टीपल ट्रांजिशन है, जो इसमें एक्स्ट्रा है और उसमें नहीं है। सही है ना बेटा? जो इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें नहीं है वो क्या है, नल ट्रांजिशन या मल्टीपल ट्रांजिशन। जी सही कह रहा हूँ। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन पहले ऐसा करवा रहा हूँ जिसमें नल ट्रांजिशन है और फिर एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन होगी। तो देखिए दो तरीकों से हो सकता है। आप ट्रांजिशन टेबल बना लीजिए, ज्यादा आसान है ट्रांजिशन टेबल के जरिए करना। अगर आप ट्रांजिशन टेबल के जरिए इसको कन्वर्ट करेंगे डीएफए में तो ज्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डीएफए से नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूँ लेकिन ट्रांजिशन टेबल से अच्छी प्रैक्टिस है उसमें ना लोगों की और आराम से हो जाता है। तो आपने बोला सर ये बी पे जा रहा है, ये नल पे जा रहा है, ये जा रहा है बी पर और ये जा रहा है बी पर। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली वो आया कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नल ट्रांजिशन हो गई, सिर्फ मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर उसको देख लेंगे इसमें मल्टीपल ट्रांजिशन। तो बेटा देखें डीएफए बनाते हुए आप क्या करते हैं, आप ट्रांजिशन टेबल सबसे पहले बना रहे हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा गौर से देखिएगा। आपने एनएफए के ट्रांजिशन टेबल से हेल्प लेनी है और से देख लीजिएगा बेटा, बड़े आसान सवाल है। तो आपने एनएफए के ट्रांजिशन टेबल से हेल्प लेनी है और ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट नहीं बनाना, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बनाना है कि इनिशियल स्टेट बनाई आपने और अल्फाबेट्स बना दिए। इनिशियल स्टेट के अलावा आपने कोई स्टेट यहां नहीं लिखी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है कि मैंने सिर्फ इनिशियल स्टेट को लिखी है क्योंकि इनिशियल स्टेट हमारी कंपल्जन है, वो सबसे पहले हमें लिखनी होती है, उसके अलावा मैंने कोई स्टेट नहीं लिखी। जी मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमने इस ट्रांजिशन टेबल को वहां से देख देख के कंप्लीट करना है। मुझे बताएं ए पे स्मॉल ए कहां जा रहा है? जब भी यहां का कोई करेक्शन करते हुए वहां जाए आप, तो आप ये देखें कि क्या यहाँ की ट्रांजिशन सिंगल है। अगर सिंगल ट्रांजिशन हो तो एज इट इज कॉपी कर दें, गौर से देखिएगा। अगर सिंगल ट्रांजिशन हो तो आप एज इट इज कॉपी कर दें, चूंकि वो सिंगल ट्रांजिशन थी तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए ए पर स्मॉल बी कहां जा रहा है? नल पर। तो जब भी नल वाली बात आएगी तो आप एक डेड स्टेट बना दें। जब भी नल वाली बात आएगी तो आप क्या लिख दें, डेड स्टेट। बात समझ में आई? तो जब भी आपके एनएफए के अंदर कोई ऐसी ट्रांजिशन हो डीएफए में कन्वर्ट करते हुए जो कहीं नहीं जा रही हो, कहीं पर भी नहीं जा रही हो, तो आप वहां क्या लिख देंगे, डेड स्टेट। क्लियर? क्या लिख देंगे वहां पर, डेड स्टेट। डेड लिख दें, डी लिख दें, कोई भी ऐसी स्टेट जो डेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब आपने तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपने सबसे पहले इनिशियल स्टेट लिखी थी, ये दोनों स्टेट आपने वहां से कॉपी की। अब आप ये वहां नहीं देख रहे कि यहां क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि मेरे ऑटोमेटा के अंदर कौन कौन सी स्टेट बन गई है। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बुनियादी क्या है कि मैं डीएफए को कंप्लीट करते हुए चलता हूं। तो डीएफए को कंप्लीट करने के लिए मेरी मजबूरी है कि मैं बी को भी कंप्लीट करूं और डेड को भी। दिस इज नॉट बिकॉज के बी यहां लिखा हुआ था इसलिए यहां पर आया, ये बी इसलिए आया क्योंकि मैं यहां लिखा हुआ है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है लेकिन बात को करने का तरीका डिफरेंट है। ये देखें ये बी मैंने यहां से कॉपी किया यहां उतारा, ये बी मैंने इसलिए उतारा कि यहां सेकंड नंबर पे लिखा तो यहां सेकंड नंबर पे आ गया। ये मैंने क्यों उतारा है, क्योंकि मेरे ऑटोमेटा के अंदर जब कोई स्टेट बन जाती है डीएफए के अंदर तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसे कंप्लीट करूं।
तो मेरे DFA के अंदर ये स्टेट बन गई है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये स्टेट बन गई है, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये पॉइंट समझ में आया? एक आज ठीक है। और आप क्या करें, आप बी पे देखें, स्मॉल ए कहा जा रहा है NFA में, तो बी पे स्मॉल ए NFA में कहा जा रहा है बी पर। यहां से यहां यहां कॉपी करना है, यहां से देख के कंप्लीट करना है, वहां से देख के। तो देखें ये बी लिखा है और बी पे स्मॉल बी भी कहा जा रहा है बी पर। समझ में आया? वहीं से देख के उतारा है मैंने। अब डेड स्टेट की बात आ गई, तो डेड स्टेट के लिए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको डेड स्टेट की लॉजिक पता है कि डेड स्टेट क्या करती है। डेड स्टेट अपने ऊपर ही दोनों ट्रांजिशन लेती है, या आपका DSA में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, अच्छा फाइनल स्टेट का बता देता हूँ। फाइनल स्टेट जो वहां पर थी वही यहां पर हो जाएगी, तो बी जो है वो फाइनल स्टेट हो गई। ये देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये वही ऑटोमेटा है जो स्टार्ट में देकर DFA आपने बनाया था। स्टेट्स के नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पूरी लॉजिक पूरा ऑटोमेटा का काम वही हो रहा है। क्लियर हुई बात? वही कन्वर्जन हो गई ऑटोमेटिकली, वही कन्वर्जन हो गई ऑटोमेटिकली। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, ये हमने वो वाला क्वेश्चन किया है कि जिसमें हमारे पास नल ट्रांजिशन हो रही थी। अब हम वाला क्वेश्चन करेंगे, हमें नहीं पता, देखें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें नहीं पता इसका क्वेश्चन क्या है। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है। ऑल दो के वी नो कि इसका क्वेश्चन क्या है, एंड विद, ऐसा ही है ना, ये एंड विद वाला क्वेश्चन है, ये एंड विद वाला क्वेश्चन है, एंड विद। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इसका ट्रांजिशन ज्वाइंट टेबल बनाऊंगा। देखें ए बी, ए बी इनिशियल फाइनल ए कॉमा बी एंड ए एंड नल एंड नल। ये वो क्वेश्चन है कि जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिशन भी दिख रही है हमें और नल स्टेट भी दिख रही है। बात समझ में आ रही है कि हमें नल मल्टीपल ट्रांजिशन भी दिख रही है और नल स्टेट भी दिख रही है, ऐसा ही है ना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन भी दिख रही है और नल स्टेट भी दिख रही है, सही है बेटा? ये कॉपी कर रहा है मैंने, सही है। ये हमें अगेन जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती कि इस ऑटोमेटा का सवाल क्या था सर। ऑल्दो क्या हमें पता है ये एंड जुड़े, लेकिन अगेन जब कन्वर्जन का सवाल आता है तो हमारी मेन फोकस किस पे होता है, कन्वर्जन पे। हमें जो ऑटोमेटा दे दिया जाएगा हम कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो ऑटोमेटा सही काम कर रहा हो फालतू काम कर रहा हो, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा सुन लीजिए, हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट उतार देते हैं यहां पर उसकी, और सिर्फ अल्फाबेट उतार और कुछ नहीं उतारते। क्लियर, क्लियर हो गई बात, सिर्फ इनिशियल स्टेट। बात समझ में आ गई, सिर्फ इनिशियल स्टेट उतारते हैं हम सबसे पहले। जी वो मैं बता दूंगा बेटा क्या है, लेकिन ये मुझे बताइए कि सही है, इतना सही है कि इनिशियल स्टेट उतार दी। अब आइए वापस, अब ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कह रही है कि ए पर भी और बी पर भी दोनों जगह जा सकता हूं, ऐसे ही है ना। ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन वहां देखें क्या कह रहा है कि ए भी दोनों पर जा सकता हूं, यही कह रहा है ना वो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक नई स्टेट बनाएंगे जिसका नाम होगा ए बी। ए बी आर नॉट डिफरेंट स्टेट, ये सिंगल स्टेट है। ए बी नाम की एक स्टेट है, जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल, एप्पल में 5 कैरेक्टर होते हैं लेकिन वो सेम है, तो ये ए बी नाम की एक स्टेट है। मैंने ये काम किया है, समझे आप, समझे कुछ? आपने यहां पर जितनी मल्टीपल स्टेट लिखी उनको एक सेम नाम असाइन करते हैं। फर्स्ट लिखा लिखा होता ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आप लिख देते ABC। आर यू गेटिंग मी? अभी आगे चलते रहेंगे, क्या हो रहा है आगे वो बाद में समझ में आएगा, फिलहाल ये देख लें, सही है।
अब मुझे बता ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है तो कहां जा रहा है, उधर देख के बताया एनएफए में ए लिख दे क्योंकि सिंगल है तो सिंगल लिख दे। अगर कहीं यहाँ लिखा होता ए कॉमा सी तो मैं लिख देता ए सी, लेकिन सिंगल है चूंकि मैंने सिंगल लिख दिया। अब आपके ख्याल में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ऑटोमेटा का, इतना काम कर लिया ना हमने। अब मुझे बताया अगर मैं इस ट्रांजिशन टेबल को इग्नोर कर दूं तो इस ऑटोमेटा में आप क्या करते हैं सबसे पहले, अब अगर मैं इस ट्रांजिशन टेबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो आप क्या करते हैं यहां पर इस ऑटोमेटा में, इस ऑटोमेटा के अंदर आप क्या करते हैं एंड स्टेट छोड़े, अभी क्या रहता है इस ऑटोमेटा में डीएफए में, एंड स्टेट तो बाद में आएगी ना बेटा, अभी इस ऑटोमेटा में कुछ रहता है नहीं, रहता क्या है, हाँ ए बी की ट्रांजिशन रहती है, आसान अल्फाज में ये डीएफए नहीं है सर, आपने ए बी की ट्रांजिशन करनी है। तो अगेन अगर मुझे ए बी की ट्रांजिशन करनी है तो यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, ये भी लिखना चाहिए, ये बात समझ में आ गई सबके, दोबारा वापस आते हैं। अब मैं भूल जाता हूं इसको थोड़ी देर के, अब आइए इधर, आपने इतना ट्रांजिशन टेबल बनाया है एक ऑटोमेटा का, इसमें कितनी स्टेट दिख रही है आपको इस ऑटोमेटा में, इसको भूल जाइए, इस ऑटोमेटा में कितनी स्टेट दिख रही है आपको, दो, एक आपने लिख ली, दूसरी कौन सी है ए बी, कौन सी स्टेट है दूसरी ए बी, दूसरी स्टेट कौन सी है ए बी, वहां पर कौन सी स्टेट थी बी, लेकिन देखिए वहां से मैं कॉपी नहीं करता, यहां पर मैं कहां से कॉपी करता हूं, जो मेरे पास स्टेट बनती रहती है उनको मैं नीचे उतारता रहता हूं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जो मेरे डीएफए में नई स्टेट बनती है मैं उनको यहां पर उतारता हूं, मैं वहां से देख के बी नहीं लिख रहा, मैं यहां से देख के ए बी लिख रहा हूं, ये पॉइंट समझ में आया। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां देख के नहीं उतार रहा, मैं यहां देख के उतार रहा हूं, अगर फर्ज कर लीजिए यहां लिखा होता बी तो मैं बी लिखता, लेकिन चूंकि यहाँ ए भी लिखा हुआ है तो मैंने ए भी लिख दिया, क्लियर हो गई ये बात, इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए होपफुली, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए बी पे ट्रांजिशन करनी है और ए भी तो वहां लिखा हुआ नहीं है, ए बी पे ट्रांजिशन करनी है और ए भी तो वहां लिखा हुआ नहीं है, तो याद है आपने वो यूनियन क्रॉस प्रोडक्ट करा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे साथ असाइनमेंट भी किया है, वहां आप क्या करते थे अगर दो ट्रांजिशन एक साथ करनी होती थी तो दोनों पे इंडिविजुअल देखते थे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, वहां आप क्या करते थे, आप ये लिखते थे सर ए बी, सर ए बी पर स्मॉल ए और ए बी पर स्मॉल बी, यही करते थे आपका असाइनमेंट, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया और सबने कर लिया, तकरीबन चार पांच लोग रहते हैं बस, तो ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन, तो सबसे आसान तरीका क्या है ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन देखने का, देखिए ए और बी इनका यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब क्या होता है हर दफा एक चीज लिख ले, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए बी नल, तो ये बन जाएगा पूरा ए बी, ये पूरा क्या बन जाएगा ए बी, ये क्या लिखा हुआ है ए बी और ये लिखा हुआ है नल, हमने ए और बी पे ट्रांजिशन देखनी है तो यूनियन ले लें, इन दोनों स्टेट्स का यूनियन ले लें, तो यूनियन बन के आ जाएगा ए बी, नल मतलब नथिंग, ए बी का ए बी आ गया, या अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं टाइम लगेगा आपको, लेकिन ऐसे कर लें तो ए बी पे देखें, ए पे ए जा रहा है ए बी पर और बी पे जा रहा है ए नल पर, तो ये ए बी बन गया, क्लियर, वो ऑटोमेटा में क्या बनेगा बेटा वो तो छोड़ देना, आप तो अभी सिर्फ ये देखें कि ये आपने यहां कैसे उतारा है, ये देखें ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि आपने यूनियन ले लिया उन दोनों स्टेट्स का, क्लियर हो गई ये बात, यूनियन ले लिया सिंपल। मैं आपके असाइनमेंट से लिंक कर रहा था इस बात को, असाइनमेंट आप लोगों ने किया है तो असाइनमेंट में आप क्या करते थे ऐसे करते थे, जरूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप इसको यूनियन ले लें यूनियन। अब आए मुझे बताएं ए बी पे बी की ट्रांजिशन क्या जाएगी, तो आप इन दोनों का यूनियन ले लें, ए बी पर बी की ट्रांजिशन क्या है तो इन दोनों का यूनियन ले लें, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा सिर्फ ये आ जाएगा, ए बी पर इन दोनों का यूनियन ले लें, फर्स्ट में यहां लिखा होता ए सी, तो ए और सी अगर स्टेट होती तो सिर्फ उन दोनों का यूनियन लेता मैं, क्लियर। अब अगर मैं ऑटोमेटा को कंप्लीट करूं ऊपर तो ये बन गया, अच्छा जी सर इसमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी,
उसमें फाइनल स्टेट कौन सी है? बी। उसमें फाइनल स्टेट कौन सी है? बी। तो यहां जिसमें भी बी आ रहा होगा या जिस जिस में बी आ रहा होगा वो फाइनल स्टेट होगी नाम में। तो यहां पर फाइनल नाम ये है। अब एक दो चीजें आपसे करनी है, इसको कंक्लूजन है, फिर एक दो सवाल और करवाने, लेकिन कंक्लूजन का मतलब ये होता है कुछ चीजें ऐड करना है, या अगर इग्नोर हो गई है आपसे, आपने उसको कंसिडर नहीं किया तो उसको देख लो। फाइनल स्टेट वो होती है जिस जिसमें फाइनल स्टेट वहां की आ रही होती है। तो फर्स्ट यहां लिखा होता है एक स्टेट होती सिर्फ बी होती, तो बी भी फाइनल होती, ये भी फाइनल होती, जिस जिसमें बी आ रहा होता वो फाइनल होती, समझ रहे? यूनियन वाला रिपीट करते हैं बेटा। देखिए कुछ भी नहीं है, आपने ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन करनी है, तो यहां पर ए बी का यूनियन लेना, ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन, ए बी का यूनियन ले लें। तो ए बी का यूनियन क्या हो गया? ए बी, ए बी पर आपने स्मॉल ए की ट्रांजिशन, बी बी की ट्रांजिशन, इन दोनों का यूनियन ले लिया, ए आ गया। सिंपल है, यूनियन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर ये फर्ज करें यहां लिखा होता, फर्ज करें यहां लिखा होता सी, फर्ज कर ले लिखा होता फर्ज, तो यहां आ जाता ए बी सी, यहां क्या आ जाता? ए बी सी। क्लियर? फर्ज कर लें यहां लिखा होता, फर्ज कर लें कि बी लिखा होता, तो बी पर ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में ए बी आ जाता है। अच्छा, कुछ चीजें जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि फाइनल स्टेट का समझ में आ गया। और से देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो एनएफए बना हुआ है उसमें नल स्टेट है। आपने पहला सवाल किया उसमें नल स्टेट थी, तो आपने डेड स्टेट बनाई, लेकिन इसमें नल स्टेट होने के बावजूद भी यह डेड स्टेट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनएफए में अगर आपने देखा नल स्टेट है तो आपने फौरन आगे बंद करके इसमें डेड स्टेट बना दी। तो इसमें सॉल्व करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि डेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी। देखिए इसमें डेड स्टेट की जरूरत ही पेश नहीं आई। क्यों क्यों नहीं पेश आई? क्योंकि क्योंकि हमारी दोनों स्टेट कंप्लीट हो गई। मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं, ये देखो। अब बताइए ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? नल। ऐसा ही है, ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? यूनियन ले ए बी का, नल। तो नल की वजह से यहां क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। नल का मतलब है डेड, और फिर आपको डेड स्टेट बनानी पड़ेगी क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ गई डेड स्टेट, समझ रहे? इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप डेड स्टेट नहीं आए, जरूरत के हिसाब से आती है। अच्छा जी, यहाँ आ गया नल, और यहाँ क्या था? यहाँ था ए, यहाँ था ए। अगर आप गौर करें ये सवाल वही हो गया आपका, एंड जेड, जब भी बी आ रहा है आप यही है, हर ए को आप आखिरी है समझ रहे हैं, और बी आता है तो फौरन आप फाइनल चढ़ जाते हैं। जी ये एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको दो सवाल करवाए, दो तीन सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, लेकिन एक सवाल वो करवाया जिसमें आपकी नल ट्रांजिशन आ रही थी, और एक सवाल वो करवाया जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो भी करवाया है वो समझ में आ गया होगा। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 11 बजे, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 11 बजे, और आपके पास टाइम होगा 11:50 तक का, ठीक है? वैसे तो 40 मिनट तक का टाइम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ।